ये कहानी है एक तितली और उसके संपूर्ण जीवन चक्र की। इसे लेमन बटरफ्लाई या इसके बायोलॉजिकल नेम पेपिलियो डेमोलियोस के नाम से भी जानते हैं। लेमन बटरफ्लाई अपना जीवन चक्र साधारणतया नींबू और संतरा जैसे खट्टे व रसीले फलों के यानी सीट्रस पौधों पर ही पूर्ण करती है। इस तितली का जीवन चक्र चार विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ये अवस्थाएं हैं, पहला अंडा, दूसरा कैटरपिलर। कैटरपिलर के रूप में इसके तीन अवस्था परिवर्तन होते हैं, एक शिशु कैटरपिलर, दूसरा किशोर कैटरपिलर और तीसरा वयस्क कैटरपिलर। कैटरपिलर की इन तीनों अवस्थाओं को पार करने के बाद यह जीवन चक्र की कोकून अवस्था में जाता है और यहां से अंत में चौथी यानी वयस्क तितली अवस्था को प्राप्त करता है। ये इन चारों अवस्थाओं यानी अंडे से लेकर तितली बनने तक के सफर को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर तरीके से अपने बूते पर बिना किसी बाहरी मदद के पूर्ण करता है। इसका ये सफर 25 से 30 दिन में पूरा होता है। प्रजनन के बाद मादा तितली पीले रंग का एक तरल पदार्थ अंडे के रूप में पौधों पर छोड़ती है। हवा के संपर्क में आने से तरल पदार्थ अंडे के कड़े आवरण में परिवर्तित हो जाता है, जिससे अंडे के अंदर का द्रव्य सुरक्षित रहता है। लेमन बटरफ्लाई अपने अंडे नींबू के पौधों की पत्तियों पर, पौधों के तनों पर और कभी कभी पौधों के पास की मिट्टी पर भी दे देती है। अंडा प्रारंभ में पीले रंग का होता है और अगले 2 से 3 दिन में इसके आंतरिक द्रव्य में कई परिवर्तन होकर नन्हे कैटरपिलर का निर्माण होता है। अंडे का आकार राई के दाने से भी छोटा होता है, इस कारण इसे नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। ये नन्हा कैटरपिलर अंडे के आवरण को काट कर बाहर आता है। और फिर खुली हवा में सांस लेता है। तथा आसपास के प्राकृतिक स्थिति को देखने के बाद सबसे पहले अंडे के खोल को खाकर अपनी भूख मिटाता है। और अपनी भूख मिटाने के बाद जीवन के अगले पड़ाव की ओर आगे कदम बढ़ाता है। ये छोटा सा शिशु कैटरपिलर हल्के भूरे रंग का होता है। इसके शरीर पर छोटे छोटे कांटेदार रोम होते हैं। सभी छोटे बच्चों की तरह शिशु कैटरपिलर या लिटिल चैम्प को भी पानी से खेलने में बहुत आनंद आता है और ये पौधों के कोमल तनों पर पानी या ओस की बूंदों के साथ अटखेलिया करता रहता है। शिशु कैटरपिलर 2 से 3 दिन पौधों के कोमल पत्तों को खाकर
अपने शरीर का विकास करता है, और थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद किशोरावस्था में जाने के लिए अपने शरीर का रोमिल आवरण व सिर का कवच पहली बार बदलता है, वह नया शरीर प्राप्त करता है। नए रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। ये इसके रूप बदलने की सबसे पहली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शरीर पर होने वाले रोमिल आवरण और मुंह या हेड के आवरण को उतार कर नया शरीर प्राप्त करता है। अपने खोल को बदलने के थोड़ी देर बाद यह शिशु कैटरपिलर अपने छोड़े हुए पुराने आवरण को खाकर परिवर्तन प्रक्रिया की थकान को मिटाता है। यहां इसके शरीर का रंग गहरे भूरे रंग का या डार्क ब्राउन हो जाता है। अब किशोर कैटरपिलर अवस्था में ये 4 से 5 दिनों तक पत्तियों और कोमल तनों को खाकर अपने शरीर का विकास करता है। इस दौरान इसका एक ही काम होता है, खाना और सिर्फ खाना। यहां इसके शरीर का रंग गहरे भूरे रंग का हो जाता है। अब ये कैटरपिलर अपने नए रूप वयस्क कैटरपिलर के रूप में परिवर्तन की तैयारी करता है। नए रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इस संघर्षपूर्ण प्रक्रिया में बड़ी जद्दोजहद के बाद अपना आवरण ये उतारता है। कैटरपिलर की वयस्क अवस्था में इसके शरीर का रंग हरा हो जाता है और सिर के पास ऊपर की ओर 2 आंखों जैसा दिखने वाला आकार होता है, जिससे इसके द्वारा बड़ी बड़ी आंखों से देखने का भ्रम पैदा होता है। इसी तरह इसका हरा रंग भी पौधों की पत्तियों और तनों के हरे रंग के साथ घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से इस रूप में इसकी बाह्य परजीवी जैसे चिड़ियाएं, छिपकली व अन्य कीट पतंगों से सुरक्षा होती है, और ये अपने विकास के लिए अपना जीवन बचा पाता है। बाद में यहां फिर से अपने सिर का खोल नीचे पत्तों पर रगड़कर और अपने नए पांवों द्वारा खींचकर बाहर निकालता है। इस नए रूप में परिवर्तन के बाद ये घोड़े जैसा खड़ा होकर विनिंग प्लेयर जैसी खुशियां मनाता है। और बाद में अपना आवरण खाकर नया शारीरिक विकास करता है। यह गुण उसे प्रकृति से ही मिला हुआ होता है। वयस्क कैटरपिलर 4 से 5 दिनों तक खूब खाकर अपने शरीर का आकार बड़ा बड़ा और बड़ा कर लेता है और तंदुरुस्त हो जाता है।
एक पूर्ण विकसित हरा वयस्क कैटरपिलर अगली अवस्था में परिवर्तन के लिए पौधों के तने पर सुरक्षित जगह का चुनाव करके अपने सलाइवा या लार द्वारा शरीर के पृष्ठभाग से चिपक जाता है और 1 से 2 घंटे के लिए एक ही स्थिति में आराम करता है। इसके बाद कैटरपिलर अगली अवस्था में परिवर्तन के लिए सबसे सुरक्षित और कलात्मक प्रक्रिया यानी हैंगर या झूले का निर्माण करता है। इस हैंगर या झूले को यह अपने लार द्वारा मजबूत धागे के समान बनाता है। फिर इस झूले की मजबूती को जांचने के लिए तरह तरह से लटक कर या फिर उसे अपने पांव से खींच कर जांचता है और संतुष्ट होने के बाद ही उस पे अपने आप को स्थिर करता है। हैंगर निर्माण के बाद कैटरपिलर इस पर लटक कर अगले 12 से 14 घंटों के लिए तने पर चिपक जाता है। अब कैटरपिलर कोकून में परिवर्तन के लिए अपने शरीर का आंतरिक परिवर्तन करता है और इसका शरीर धीरे धीरे संकुचित होता जाता है, या यूं कहे कि ये थोड़ा दुबला होता जाता है। अब कैटरपिलर 12 से 14 घंटे पश्चात कोकून में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया में यह अपने बाह्य अंगों का उत्सर्जन करता है, या कहें कि बाहरी खोल को छोड़ देता है। इस प्रक्रिया में इसके शरीर का खोल व सिर एक साथ ही निकलता है। कैटरपिलर का कोकून में परिवर्तन होना तितली बनने के जीवन चक्र का सबसे लंबा, सुंदर व महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। और अब ये बिना बाह्य अंगों के एक सुंदर कोकून में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में ये अपने द्वारा बनाए हुए कलात्मक व मजबूत हैंगर पर पूरे शरीर का भार देकर लगभग 10 दिनों के लिए झूल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जिस रंग के तने पर चिपका होता है और उसके आसपास का जो भी वातावरण या रंग इसे मिलता है, उसी अनुसार यह अपने कोकून के रंग को भी परिवर्तित कर लेता है, या कहें कि
अपने कोकून के खोल का निर्माण भी उसी रंग का करता है, जिसे अंग्रेजी में कैमोफ्लेज या हिंदी में छद्मावरण कहते हैं। कोकून 10 से 12 दिनों तक इसी प्रकार तने पर चिपक कर अंदर ही अंदर तितली बनने का वास्तविक स्वरूप, जैसे आंख, पांव, सिर व पंखों इत्यादि का निर्माण करता है। 10 दिन पूर्ण होते होते कोकून का खोल धीरे धीरे विभिन्न रंग से सूख कर पारदर्शी होता जाता है। यहां तितली के कोकून के अंदर विकसित रंग बिरंगे पंख और अन्य अंग दिखने लग जाते हैं। अब इसके कुछ समय पश्चात पूर्ण विकसित तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। कोकून से बाहर आने के लिए भी इसे लंबा संघर्ष करना होता है और अपनी संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए अपने पैरों द्वारा कोकून के ऊपरी खोल को हल्का सा धक्का देती है, जिससे दरवाजे नुमा कोकून का ढक्कन खुल जाता है। अंत में कोकून से 10 दिनों बाद अपने जीवन चक्र का लगभग 30 दिनों का सफर पूरा करके एक सुंदर रंग बिरंगी तितली प्रकृति के रंगों के साथ खुली हवा में बाहर आती है। अंडे से तितली बनने का संपूर्ण जीवन चक्र लगभग 25 से 30 दिन में पूरा होता है, जिसमें अंडे का विकास 2 से 3 दिन में, कैटरपिलर की तीनों अवस्थाओं का विकास लगभग 12 दिनों में और कोकून की अवस्था में ये 10 से 12 दिन में विकास की प्रक्रिया पूरी करता है। प्राकृतिक वातावरण में बाहर आने के बाद ये तितली लगभग 1 घंटे तक पौधे पर या उसके आसपास के फूल पर बैठकर अपने पंखों को सुखाती है, अपनी पूरी ताकत को जमा करती है और पूर्ण रूप से विकसित होकर चारों पंखों को खोलती है, उन्हें फड़फड़ाकर देखती है और आखिर में लगभग 30 दिनों का अपना संघर्षपूर्ण जीवन चक्र पूरा करके एक परिपूर्ण तितली कोकून से बाहर आकर प्रकृति के नए रंगों को समेटने के लिए उड़ जाती है अपने एक नए सफर की ओर, जहां वह तितलियों की एक नई पीढ़ी को जन्म देगी।